हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। आज मैं आपको बताऊंगी कि ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी किस बुक से कराई जाए या किस बुक से अपने बच्चों को आप ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं। फॉर ओलंपियाड एग्ज़ाम क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। तो आज हम क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड के लिए ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन सी बुक बेस्ट हो, इस पर बात करेंगे। ओलंपियाड एग्ज़ाम विभिन्न सब्जेक्ट्स में ली जाती है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, कंप्यूटर एसेट्रा। इन सभी के लिए सबसे पहले तो आप बुक या एनसीईआरटी की बुक से पूरे चैप्टर जो है कवर होने चाहिए। जनरली हर स्कूल में जो भी सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक जो चलती है वो क्लास वाइज, उससे हमें क्या होता है, बेसिक नॉलेज, हर टॉपिक से रिलेटेड बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को एनसीईआरटी की सब्जेक्ट वाइज, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करवा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर पेपर की तैयारी करवा रहे हैं तो कंप्यूटर्स की बुक, वो पूरी अच्छे से टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट करवाएं, जिससे क्या होगा, हर टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट पर बच्चे का बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्क बुक फ्रॉम ओलंपियाड एग्ज़ाम, ये बुक आपको कहीं भी ऑनलाइन या शॉप पर मिल जाएगी। ये ओलंपियाड वर्क बुक होती है जिससे आप पहला टेक्स्ट बुक कम्प्लीट करने के बाद आप वर्क बुक ओलंपियाड एग्ज़ाम की जो आती है वो हर सब्जेक्ट में मिलती है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर शॉप से ख़रीद सकते हैं, इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट स्टेप आप ओलंपियाड स्किल डेवलपमेंट सिस्टम OSDS, ये एक बुक आती है, इस बुक से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। इस बुक में सिलेबस पर आधारित टॉपिक वाइज जो है एक्सप्लेन किया रहता है और फिर उससे संबंधित प्रैक्टिस सीट रहते हैं जिसकी आप बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एंड फोर्थ, प्रीवियस ईयर पेपर, और लास्ट में आप कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाइए। बस आज के लिए इतना ही। इतना करवाने के बाद आई एम श्योर आपका बच्चा ओलंपियाड एग्ज़ाम में कंप्लीट कर जाएगा। थैंक यू। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।